Welcome to Dime News Studios. You are watching 5 p.m. Bulletin. सिंध हुकूमत नाब से प्ली बार्गेन ए वीआर कंदड़ 435 सरकारी मुलाजमन की रिपोर्ट सिंध हाई कोर्ट में जमा कराए छी। हुकूमत मुलाजमन के सख्त सजा 10 दिन की तनजली 29 मुलाजमन के बरतरफ करने जो इंकशाफ 12 मुलाजमन के रिवर्ट किया वो 238 मुलाजमन खिलाफ कार्रवाई जारी। सिंध सरकार की रिपोर्ट में चयो है तो नाब से प्ली बार्गेन ए वीआर कंदड़ 73 मुलाजमन की इंक्रीमेंट बंद कई वही। अगूणे डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर अदीब बचाणी के 5 साल रिवर्ट करने जो इंकशाफ। सिंध हाई कोर्ट प्ली बार्गेन ए वीआर कंदड़ ऑफिसर्स खिलाफ कार्रवाई बाबत रिपोर्ट तलब करे वरती। सिंध सरकार नाणे खाते के सेक्रेटरी हसन नकवी खिलाफ कार्रवाई का माजरत करे छड़ी। सिंध हाई कोर्ट में जमा करायल रिपोर्ट में हुकूमत चयो तो हसन नकवी 2018 में अदालती फैसले के चैलेंज कयो हो। हसन नकवी वफाक एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन के मातहत है। संदस खिलाफ कार्रवाई वफाकी हुकूमत ही करे सके थी। नाब से प्ली बार्गेन ए वीआर कंदड़ ऑफिसर्स की फहरिस्त में नाणे खाते के सेक्रेटरी हसन नकवी जो नालो भी शामिल हो। इलेक्शन कमीशन अगया पीडीएम के एहतजाज में के रंडकू न विझंदी उम्मीद तो पीडीएम कानून का मथा हो कम न कंदी। कानून में हथ खो वो तो कानून हरकत में इंदो। सुप्रीम कोर्ट फैजाबाद धरणों केस में चई चुकी है तो हर जाए ते धरणों या एहतजाज नथो करे सकजे। वफाकी वजीर शेख रशीद, परवेज कटक, शिबली फराज, फवाद चौधरी और फरोग नसीम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वफाकी वजीरन अपोजिशन के तनकीद कदे तो अपोजिशन चूंडन में धांधलियों को को भी रिकॉर्ड पेश न किया है। रुगो डफेड़ पैदा करने लाए रांद खेली पी वे। पीटीआई तरफा परडेही फंड्स केस में इलेक्शन कमीशन आरो सबूत पेश किया वह है। अपोजिशन सियासत के बंद घिटी में वठी वन घुरे थी। अल्लाह चाहो तो इमरान खान 5 साल पूरा कंदो। पाकिस्तान का 269 मिलियन डॉलर्स हर्जानो वसूल कंदड़ बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट इमरान खान हुकूमत से एक बो मुआदो करने लाए राबतों कयो हो। कंपनी के नुमाइंदे बैरिस्टर जफर अली वजीर आजम इसमें सलाहकार शहजाद अकबर से मुलाकात कई हुई। शहजाद अकबर कंपनी के सरबराह के बुधा तो जफर अली से मुलाकात लाए पाकिस्तान की एक ताकतवर शख्सियत चयो हो। बरतानवी कंपनी ब्रॉडशीट के सरबराह कावा मोसी इंकशाफ किया है बरतानवी अदालत शरीफ खानदान के आजो करार न दिनों है। आसा नवाज शरीफ खिलाफ दरख्वास्त वापस वही छड़ी हुई। कंपनी के मिलल पैसन से जजमेंट कवर थियण बाद आसा नवाज शरीफ बारे मामले के छड़े दिनों। कौमी असेंबली के पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ब्रॉडशीट की मुकम्मल जांच जो हुक्म दई छो। कमेटी चेयरमैन राणा तनवीर चया है पीईसी 2 सालों में 500 अरब रुपये का वसूल किया। कंपनी नाब का भी उगाड़ियों करे कौमी नाणे में जमा कराए छड़ियों। पीएसी असेंबली मेंबर्स जहाँ प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी करे थी पर उन अमल नो थे। नवाज लीग अगवाण अयाज सादिक है तो स्पीकर के कमेटी के चेयरमैन जहाँ प्रोडक्शन ऑर्डर्स रोके नो सके। ब्रॉडशीट के नवाज शरीफ खिलाफ को भी सबूत न मिलो है। नवाज शरीफ खिलाफ मवाद गर्द कर 7 अरब रुपया दिना वह अज नैब पान कटेड़े में बैठल है। बदकस्मती से नैब के शर्म न तो अचे। अगूणे वजीर आजम शाहिद काका नबासी है तो नैब 20 साल अग कह रो हाँ कर रो है। ब्रॉडशीट की रिपोर्ट में नैब की कहानी मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के नैब बाबत पान मुरादो नोटिस वन घुर्जे। ब्रॉडशीट जिन मानून का नाला बुधाया उन्होंने लिखाया पो। शाहिद काका नबासी तरफा बरतानवी अदालत जो फैसलो आवाम आदो जाहिर कर मुतालबो। पार्लियामेंट कानून ठाही है अदलिया उनकी तशरीह कंदी है। अदालत पान मुरादे नोटिस या अख्तियार तहत सियासी मामलों को जायजो वठंदी है। अदालत तशरीह करे तो उनके ही फौकियत हासिल होंगी है। इन मामले में अदालत के एहतियात का कम वो पव चूंड जो तरीकेकार जै कानून में शामिल है उन कानून तहत ही इलेक्शन थी। सुप्रीम कोर्ट जहाँ सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट जरिए कराने बाबत सदारती रेफरेंस से बुधरी दौरान रिमार्क्स अटॉर्नी जनरल दलील दीदे तो सुप्रीम कोर्ट खोड़ भेरा सियासी मामलों की तशरीह कर चुकी है। 5 रुकनी बेंच आरो सदारती रेफरेंस आयो है तो उन जवाब देना पव। सुप्रीम कोर्ट एपलेट फोरम से गड आईनी अदालत पिण है।
जस्टिस याहिया अफरीदी रिमार्क्स ॾींदे चयो त सुप्रीम कोर्ट खां पोइ को बि एपलेट फोरम मौजूदु नाहे। नदीम अफज़ल चंद जी इस्तीफ़ा वज़ीरे आज़म इमरान खान खे मिली वई। वफ़ाक़ी वज़ीरनि जी सरार ते वज़ीरे आज़म इमरान खान तरफ़ां नदीम अफज़ल चंद जी इस्तीफ़ा मंज़ूर न करण जो फ़ैसिलो। ज़रियनि जो चवणु आहे त वज़ीरे आज़म नदीम अफज़ल चंद जी इस्तीफ़ा पढ़ी पर वफ़ाक़ी वज़ीरनि जे ज़ोर भरण ते मंज़ूर न कई। नदीम अफज़ल चंद बि कंहिं बि सूरत में इस्तीफ़ा वापसि न वठण जो फ़ैसिलो करे वरितो। नदीम अफज़ल चंद सरकारी गाॾी, ऑफिस ऐं ॿियूं रियायतूं बि वापसि करे छॾियूं। ज़रियनि मूजिबि नदीम अफज़ल चंद जो चवणु आहे त पीटीआई में रहंदुसि पर को बि हुकूमती उहिदो न खणंदुसि। नदीम अफज़ल चंद वज़ीरे आज़म जे ख़ुसूसी मुआविन ऐं तर्जुमान वारे उहिदे तां इस्तीफ़ा ॾिनी हुई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीवी चेयरमैन नईम बुखारी खे कम खां रोके छॾियो। पीटीवी जे चेयरमैन जी मुक़ररी ख़िलाफ़ दरख़्वास्त ॿुधणी दौरान चीफ जस्टिस रिमार्क्स ॾिना त समा खाते खे पीटीवी चेयरमैन मुक़ररु करण जो अख़्तियार ई नाहे। जॾहिं समरी पढ़णु बिना काबीना ॾांहुं उमाणी वेंदी त काबीना खे बि शर्मिंदा थियणो पवंदो। असां मामिलो वफ़ाक़ी काबीना ॾांहुं उमाणे रहिया आहियूं। काबीना सुप्रीम कोर्ट जे फ़ैसिले मूजिबि मामले खे ॾिसे। एहतसाब बाबति वज़ीरे आज़म जे सलाहकार शहज़ाद अकबर नवाज़ लीग एमपीए उस्मा बुखारी खे हर जाने जो नोटिस माणे छॾियो। नोटिस में शहज़ाद अकबर चयो आहे त उस्मा बुखारी टीवी शो बि मथस बेबुनियाद इल्ज़ाम हयां, या इल्ज़ाम साबित करे या माफ़ी वठे। ॿी सूरत में साख खे थी रसाइण ते 50 करोड़ रुपया हरजाणो अदा करे। शहज़ाद अकबर चयो आहे त हरजाणे जी रक़म ख़ैराती इदारनि खे ॾिनी वेंदी। सिंध सरकार आबाद घरनि जे लॻातार एहतजाजनि बाद टमाटनि ऐं बसर जी इम्पोर्ट ते पाबंदी लाइ वफ़ाक़ खे ख़त लिखी छॾियो। सिंध में तयारु थियल टमाटो ऐं बसर एक्सपोर्ट करण लाइ क़दम खणण जो बि मुतालबो। ज़रात वारे सूबाई वज़ीर इस्माइल राहू ख़त में चयो आहे त बसर ऐं टमाटनि जी सभ खां वधीक पैदावार सिंध में थी आहे। टमाटे ऐं बसर जी इम्पोर्ट ख़िलाफ़ आबादगार एहतजाज करे रहिया आहिनि। बसर ऐं टमाटो एक्सपोर्ट थियण सां आबादगारनि खे मुनासिब अघु मिली सघंदा। हैदराबाद में सिंध आबादगार इतिहाद जे सॾु ते टमाटे ऐं बसर जी इम्पोर्ट ख़िलाफ़ आबादगार सरापा एहतजाज बणियल। आबादगारनि दाहियो आहे त सिंध में बरसातुनि सबबु आबादगारनि जो घणो नुक़सानु थियो आहे। टमाटो, बसर ऐं ॿियूं भाॼियूं परॾे मां घुराइण सां आबादगारनि खे नुक़सानु पहुची रहियो आहे। टमाटे ऐं बसर जी इम्पोर्ट फौरी तौर बंदि करण जो मुतालबो। सिंध हाई कोर्ट असिस्टेंट कलेक्टर जो इम्तिहान पास न कंदड़ ऑफिसरनि खे उहिदनि तां हटाइण वारे केस में सिंध हुकूमत खे रिपोर्ट पेश करण लाइ 2 हफ़्तनि जी मोहलत ॾेई छॾी। अदालत सेक्रेटरी सर्विसिस सां मुख़ातिब थींदे चयो त ही आख़िरी मोहलत ॾेई रहिया आहियूं। अदालती हुकूमनि ते अमल न करायो न त तोहीन अदालत जी कार्रवाई थींदी। केस जी ॿुधणी दौरान सीनियर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जे मेंबर मख़दूम शकील ज़मान समेत 9 ऑफिसरनि जे वकीलनि तोहीन अदालत जी कार्रवाई ख़तमु करण जी इस्तदा कई। अदालत शकील ज़मान जे वकील ते 10,000 रुपया ॾंड लागू कंदे चयो त अदालती हुकुम ते अमल ई नाहे थियो, तोहीन अदालत जी कार्रवाई कीअं ख़तमु करियो। सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस तरफ़ां मोनिका लाड़ी केस जो नोटिस वठण बाद पीरगोट पुलिस जूं फुर्तियूं वधी वयूं। पीरगोट पुलिस वाक़े खे 4 ॾींहं गुज़रण बावजूदु असल जवाबदारनि जो पतो लॻाइण में नाकाम। सदर जी भितियुनि जे मुख़्तलिफ़ इलाइक़नि में छापनि दौरान वधीक 4 शकी गिरफ़्तार। मोनिका जे ॻोठ जा 20 खां वधीक रहवासी DNA टेस्ट लाइ पीरगोट अस्पताल पहुची विया। सदर जी भितियुनि में सुञाण भरियल ऐं मुख़्तलिफ़ तनज़ीमनि जे कारकुननि तरफ़ां मोनिका लाड़िक वाक़े ख़िलाफ़ मुज़ाहिरो। वहशी जवाबदारनि खे जल्द गिरफ़्तार करे इबरतनाक सज़ा ॾियण जो मुतालबो। SSP खैरपुर अमीर सऊद मक्सी चयो आहे त मोनिका लाड़िक केस में असल जवाबदारनि जो पतो लॻाए पियो वञे। जल्द खेनि गिरफ़्तार कयो वेंदो। ऐं दीपक खां अलहदगी अख़्तियार करण बाद सुनीता राठौर पुलिस मुक़ाबले ख़िलाफ़ केस खां बि पासिरी थी वई। दीपक कुमार केस में पिटिशनर वंडण ऐं मुआवज़े रक़म सुनीता बदिरां केस अदा करण लाइ सिंध हाई कोर्ट में दरख़्वास्त दाख़िल कराए छॾी। दरख़्वास्त में दीपक मौक़िफ़ अख़्तियार कयो आहे त सुनीता कानूनी तौरु हाणे मुंहिंजी ज़ाल नाहे रही,
हाँ हू केस की पैरवी न कंदी और पा केस की पैरवी कंदुस। इलाज ही बार की तालीमी खर्चन लाए रकम हाँ मुख्य अदा कई वे। सिंध हाई कोर्ट में केस से बुधनी दौरान सुनीता के वकील चयो तो सुनीता की का भी खबर ना है और साणस राबतो भी नथो थे। अदालत सुनीता राठौर के ईंदड़ बुधनी से पेश थियण जो हुक्म दे छो। बुधनी 17 फरवरी तीन मुलतवी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टाइम न्यूज़ सां गॾु मां आहियां शाहिद सियाल। हेडलाइन सां लिखियूं बुलेटिन जी शुरूआत कंदासीं शॉर्ट ब्रेक खां पोइ।